आप सबका वेलकम है मेरी चैनल में। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ सुपर ट्रीफॉन सीडलिंग। हमने ये जो पेड़ हैं, हमने इसको क्राफ्ट किया है आज से 9 साल पहले ऑन सीडलिंग पर ही। तो अब मैं आप सबको ये बताने जा रहा हूँ कि फ्रूट सेटिंग कैसी होती है सीडलिंग पर। ये सुपर ट्री फ्रांस है, आप सब देखें इसमें फ्रूट साल परसों साल भी था, पिछले साल उससे पहले साल भी था इसमें फ्रूट। तो इस साल भी इसमें काफ़ी अच्छा फ्रूट है, आप सब देख सकते हैं। यह है सुपर ट्री फ्रांस, 10 ईयर का प्लांट। ये है हमारा रॉयल डेलिशस, तो ये भी है सुपर ट्री फ्रांस। ये वाला भी है सुपर ट्री फ्रांस सीडलिंग पर। आप देख सकते हैं फ्रूट सेटिंग काफी अच्छा हुआ है। तो ये सुपर वैरायटी है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप ग्राफ्ट करें सुपर वैरायटी, तो ये 3 साल बाद ही आप इसमें सैंपल दे सकते हैं, क्योंकि सुपर वैरायटी इसमें फ्रूट सेट अर्ली होता है जल्दी। ये है स्कॉटलेट सुपर 3, जिसको हम स्कॉटलेट वैसनी भी बोलते हैं। तो 1 मंथ पहले हमने इसमें ग्राफ्ट किया है, आप देख सकते हैं। ये भी है सुपर ट्री फ्रांस, ये वाला भी, ये भी। आप देख सकते हैं ग्रोथ भी कैसी है सीडलिंग पर इसकी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है सुपर ट्री फ्रांस। आप देख सकते हैं फ्रूट सेटिंग से, हमने एक बार PGR किया है, वो भी जब ब्लूम था। जब हमने इसको ग्राफ्ट किया था तो 3 साल बाद ही हम इसमें हमने सैंपल देखा, क्योंकि जो सुपर वैरायटी हैं ये तो इसमें फ्रूट सेटिंग अर्ली होती है। इसमें 3 किस्म के हैं, एक है विग्रस और नॉन विग्रस, ये तो नॉन विग्रस में आता है।